Diagrammatic presentation of data में one dimensional diagrams also known as bar diagrams कर रहे हैं हम. उसमें हम क्या कर चुके हैं, simple bar diagram, multiple bar diagram and subdivided bar diagram. Next है percentage bar diagram, exactly same as subdivided bar diagram but the data is expressed as a percentage. Subdivided में जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बताया ना कि एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, उसका रेवेन्यू था कुछ भी, लेट अस अज्यूम $100 billion, उसमें 100 बिलियन तो फिर वो परसेंटेज भी 100 ही रहेगी, उसका था $50 billion, उसमें से $20 billion थे आईफोन्स, $10 billion थे लैपटॉप्स, $10 billion थे टैबलेट्स, बाकी $10 billion थे एक्सेसरीज. तो वो था सब डिवाइडेड बार डायग्राम. अब सेम चीज को अगर मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस करूं कि 40% आईफोन्स थे, फोन्स थे उनके, 20% टैबलेट्स थे या 20% लैपटॉप्स थे या 20%, तो परसेंटेज में अगर मैं सेम बात करूं, ग्राफ सेम है, कॉम्पोनेंट्स ही होंगे उसमें, बट नाउ इट इज एक्सप्रेस्ड as a percentage. A subdivided bar diagram which represents the percentage of total of each component instead of their actual value. It is known as a percentage bar diagram. A subdivided diagram is used to show absolute magnitudes of various components. These magnitudes can be changed into relative values by converting them as a percentage of total. Each component of the data is expressed as a percentage with respect to corresponding total. Thus, in a percentage bar diagram, all the bars will be of height 100. Percentage bar diagram mein total hamesha 100 hi hoga na, 100% se zyada to ho nahi sakta. So ye important point hai, percentage bar diagram mein the total of height will always be 100, while the various segments or the bars representing in different components will vary in height depending on their percentage values. As stated earlier, different components are distinguished from each other by different shades or colors. Example, can I use the same data as example 7? So, ध्यान से देखना, पहले मैं आपको यहाँ पे data दे देता हूँ, फिर हम उसको use कर लेंगे. एक second. तो सेम एग्जाम्पल 7 का जो डेटा है, कह रहे हैं उसको आप परसेंटेज बार डायग्राम में दिखाओ. तो 10,000 25,000 का कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे? 10/25 × 100 40% आ जाएगा. कैसे निकाला? 10,000/25,000 × 100. मेरे को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, आप सीधा करो ना. 10/25 × 100, 5/25 × 100, 4/25 × 100, 4.5/25 या 45/250 × 100, 1.5 या 15/250 × 100. समझ आया क्या होगा? समझ आया या फिर से बताऊं? सर आ गया. ओके विदुर, आपको, आयुष्मान आपको समझ आ गया सर? ठीक है. रिद्धिमा कनेक्टेड? यस सर. परसेंटेज बार डायग्राम में ग्राफिकली तो वैसे ही बनेगा जैसे सब डिवाइडेड बन रहा था, बट जो डेटा है उनको वैल्यूज में ना दिखा के परसेंटेज में दिखाया जाएगा. तो जैसे फूड पे फैमिली बी ने कितना खर्चा करा, 12/40 × 100, तो 4 × 3 = 10 × 10 = 30%. तो ये क्या हो जाएगा? 30%. ये क्या हो जाएगा? 25%. ये क्या हो जाएगा? 15%. ये क्या हो जाएगा? 20%. ये क्या हो जाएगा? 10%. अब ध्यान क्या देना, ये जो सारी टोटल आप ऐड करोगे इट शुड बी इक्वल टू 100%. क्लियर है परसेंटेज बार डायग्राम? यस सर. तो हमें जो वैल्यूज गिवन है उससे हम पहले क्या निकालेंगे? परसेंटेज. फिर उसको हम कहां शो करेंगे?
ग्राफ पे एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना, सब डिवाइडेड बार डायग्राम जैसा ही है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे क्या आएगी परसेंटेज, यहाँ पे क्या आएगी परसेंटेज, और परसेंटेज बार डायग्राम में हाइट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 100%। सिंपल, परसेंटेज बार डायग्राम, चल सकते हैं आगे। यस सर।